तो चलिए आज हमारा टॉपिक है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। तो समायोजन क्या होता है? समायोजन का अर्थ होता है कि वातावरण के साथ जो है उचित तालमेल स्थापित करना। ठीक है, हमारी जो है बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और उन आवश्यकताओं को जब वो पूरा करता है तो उसके सामने बहुत सारी कंडीशन होती हैं, परिस्थितियां भी अलग-अलग होती हैं। तो आवश्यकता और परिस्थितियां, इन दोनों के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है? समायोजन है। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा जो है जो कि जयपुर सिटी में आकर पढ़ता है, ठीक है, और यहाँ पर वो चाहता है कि मेरे साथ एक और बच्चा जो है वो इस रूम में आकर रहे। क्यों रहे? ताकि एक तो मुझको क्या मिल जाए, कंपनी मिल जाए, पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, दूसरा वो ये भी सोचता है कि यहाँ पर जो है रूम इतना महंगा है कि दूसरे बच्चे के साथ यदि हम रहते हैं तो जो भी आपका किराया है वह भी बट जाता है। ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट तो उसने ये बढ़ाया। दूसरा कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो आसपास का माहौल कैसा है? वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, लेकिन हमने तो क्या कर दिया है, रूम जो है वो ले लिया है। हम यहाँ से अब नहीं जा सकते क्योंकि यहीं से पास में जो हमारी कोचिंग भी है, ठीक है, या यहीं से पास में हमारी लाइब्रेरी भी है। तो ये जो कार्य वो कर रहे हैं, इतना शोर शराबा जो है उसको सुनने के बावजूद जो है वो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है? एडजस्टमेंट है। ठीक है, उन्होंने एडजस्टमेंट जो है वो बिठाया है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जो है जो भी एनवायरनमेंट है उसके साथ जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सामंजस्य स्थापित करता है वही क्या है? समायोजन है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं। अब देखिए कोई भी लड़की है उसकी शादी जो है वो ऐसी जगह हो जाती है जहाँ का कल्चर जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, मान लीजिए कि यूपी की लड़की है और उसकी शादी जो है वो कहाँ हो जाती है? राजस्थान में हो जाती है। तो यूपी का कल्चर और राजस्थान के कल्चर में जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, अब वह ससुराल में आकर जो है वो किस तरीके से एडजस्ट करती है, उन सभी परिवार के लोगों के साथ जो है हर तरीके से जो है घुलना मिलना ये सीखती है, जबकि उसने अपने 25-26 साल जो है वो अपने मायके में निकाले हैं, वहाँ का कल्चर अलग था। नए तरीके से हर चीज़ को सीखना, उस वातावरण के अनुकूल जो है वह हो जाना, अपने को जो है तालमेल जो है वहाँ के हिसाब से बैठा लेना, यही क्या है? समायोजन है। यदि वह समायोजन नहीं कर पाती है तो वह कुसमायोजन का शिकार हो जाती है। ठीक है, तो एक जो समायोजित व्यक्ति होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वह किसी भी वातावरण में जाकर कैसी भी परिस्थितियां हो वहां पर अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको शॉर्ट आउट करने की जो है क्षमता उसके अंदर रहती है। सबसे पहली बात, समायोजित व्यक्ति जो है वो हर तरीके से माइंड से भी जो है वो संतुलन में रहता है, यानी अपने जो संवेग हैं उन पर कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है समायोजित व्यक्ति की। अब कोई क्रोधी व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा गुस्सैल, कैसी भी परिस्थिति मिल जाएगी गुस्सा उसको तुरंत आ जाएगा, सामने की परिस्थिति जो भी अपोजिट परिस्थितियां हैं उनको वो नहीं झेल पाएगा। ठीक है, जिससे कि कोई भी काम उसका नहीं बन पाएगा। तो समायोजित व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा समझदार होता है। समायोजन को यदि हम डिफाइन करें तो सम प्लस आयोजन से मिलकर बना है। सम का अर्थ है स्वयं से और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था से। तो यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आके जो है उन परिस्थितियों को सामान्य करे ये समायोजन नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति खुद उस वातावरण में रहकर अपनी आवश्यकताओं को देखकर और फिर सामंजस्य स्थापित करता है, वही क्या है? समायोजन है। अर्थात व्यक्ति की आवश्यकता और परिस्थितियों के बीच सामंजस्य क्या है? समायोजन है। और वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना ही समायोजन है। कैसा भी वातावरण मिले वह अपना जो है तालमेल बिठाता है। तो चलिए अब हम परिभाषाओं से समझेंगे समायोजन क्या है। सबसे पहले देखिए गेट्स गेट्स की परिभाषा में कहा गया है कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है। जैसे अधिगम सतत प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जब पैदा होता है तो आगे बहुत सारी चीजें उसको सीखनी होती हैं। धीरे धीरे कुछ भी उसको नहीं पता होता है और धीरे धीरे वह बहुत सारी चीजें सीखता चला जाता है। ठीक है, तो ये कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। उसी तरीके से समायोजन, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है
वैसे वैसे परिस्थितियां उसको अलग मिलती हैं, ठीक है। उसमें जो है वह अपने आप को खुश और संतुष्ट जो है वह रखना चाहता है। तो यही क्या है, समायोजन है, जिसमें व्यक्ति वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब एक का व्यवहार जो है वो बहुत गुस्सैल है और हमेशा लगातार गुस्से में ही आगे जिंदगी निकालेगा, तो ऐसा इंसान समायोजित कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो भी न्यू जो कंडीशन आती हैं तो उसमें अपने बिहेव को चेंज तो करना ही पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जो लड़की है जो कि यूपी की है, उसकी जो विवाह राजस्थान में हुआ है, तो उसने क्या किया है, वहाँ कल्चर को पहले जाना अच्छे से और फिर अपने बिहेव में जो है वो चेंजमेंट लेकर आई और यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट बिठाया। दूसरी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर कहते हैं कि समायोजन जो है वो अधिगम की प्रक्रिया है, यानी कि ये निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सैफर का कहना है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो सैफर का भी यही कहना है। नेक्स्ट देखें, स्मिथ क्या कहते हैं कि एक अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित और संतोष देने वाला होता है। कैसा होता है समायोजन, जो कि व्यक्ति को संतोष प्रदान करे, सुख प्रदान करे, शांति प्रदान करे, ठीक है, और उसके आधार पर ही जो है वो जीवन व्यतीत कर पाए। तो एक अच्छा समायोजन कैसा होता है, जो यथार्थ पर आधारित होता है और संतोष देने वाला होता है। कॉलमैन कहते हैं कि समायोजन व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कठिनाइयों का निराकरण के प्रयासों का परिणाम है। व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, तो उन समस्याओं का क्या करता है, वो समाधान कर लेता है। इसी का रिजल्ट क्या है, समायोजन है। तो इन सभी परिभाषाओं से जो है हमें क्या पता लगा कि समायोजन जो है वो व्यक्ति की आवश्यकता और परिस्थितियों के बीच में क्या है, सामंजस्य है, ठीक है। और समायोजन जो है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी जो भी परेशानियां होती हैं जीवन की, उन घटनाओं को, बातों को जानबूझकर जो है वो भूलने की कोशिश करता है, ताकि वातावरण के साथ जो है वो अपना एडजस्टमेंट बैठा सके, और उसका रिजल्ट क्या होता है, सुख शांति होता है। कुप्पुर स्वामी के अनुसार समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, जिसमें संवेगात्मक द्वंद और तनाव दूर हो जाते हैं। जब एडजस्टमेंट हम बैठा लेते हैं अपने कार्यों के लिए, तो अंत में हमें खुशी मिलती है और जिससे हमारा जो माइंड है वह भी फ्री रहता है। कोई भी संवेगात्मक द्वंद नहीं पैदा होता है, ना ही तनाव होता है, ठीक है। समायोजन की विशेषताएं, देखिए समायोजन जो है स्थापित करने के लिए भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों को जो भी परिस्थितियां मिल रही हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हो। विपरीत परिस्थितियां जो है उसमें अपने आप को ढालना, यही क्या है, समायोजन है। विशेषताएं हैं, समायोजन सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल लगातार चलती है, ठीक है। दूसरा है, समायोजन आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया है, जिससे कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इसी वजह से तो हमने जो है वो क्या किया है, अपने आप को समायोजित किया है। तीसरा है, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। किसने कहा है, स्किनर की परिभाषा है। समायोजन संतुलन एवं सामंजस्य को स्थापित करने की प्रक्रिया है। समायोजन सुख शांति और संतोष के आधार पर जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया है। जिस तरीके से हम जो है अपोजिट जो कंडीशन होती हैं उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है तो वह सुख होता है, शांति होती है और संतोष होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो स्ट्रेस होता है वो हमारे माइंड में नहीं रहता है और हमारा जीवन जो है वो बहुत अच्छे से निकलता है। समायोजन जो है उसके कारण जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन करने की एक ऐसी प्रक्रिया है। फिर देखिए, एक समायोजित व्यक्ति जो है उसकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है वातावरण और परिस्थितियों का उचित ज्ञान। क्या करेगा एक समायोजित व्यक्ति, सबसे पहले तो उस इन्वायरमेंट को देखेगा, उसमें जो है कौन-कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि मेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मुझे उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को ढालना है। इसका उचित ज्ञान जो है वह उसको होता है। जितने भी संवेग होते हैं, गुस्सा करना, ठीक है,
रोना, इन पर जो है वो काबू पा लेता है। तो जिस वजह से शरीर जो है वह भी उसका स्वस्थ रहता है। तो शारीरिक संवेगात्मक दृष्टि से जो है समायोजित होता है ऐसा व्यक्ति, छिंद्रन्वेषी प्रकृति का वो नहीं होता है। तो छिंद्रन्वेषी का क्या अर्थ होता है, यानी व्यक्ति जो है जिस तरीके का है अपने आप को वैसा शो ना करके और दूसरे ही तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है, यानी कि सोच कुछ रहा है और बोल कुछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है समायोजित व्यक्ति। वातावरण में ये संतुष्ट रहता है, सहनशील होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है और अपने कार्यों के प्रति जो है ये उत्तरदायी रहता है। सामाजिकता और सहयोग की भावना जो है इसके अंदर बहुत पाई जाती है। समायोजित व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है, एक तो समाज में व्यक्तियों के साथ जो है वह तालमेल बिठा के रखेगा, उसके अंदर जो है सहायता करना, सहयोग की भावना जो है उसके अंदर मिलेगी। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार पाया जाता है, यानी उसने जो भी गोल डिसाइड किया है अपना, तो उस दिशा में जो है वो कार्य करता है। उसके बाद देखिए समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां। तो ये रक्षात्मक युक्तियां जो है वो क्या हैं, ये ऐसे साधन होते हैं जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है उसके माइंड में जो भी परेशानियां हो रही हैं, जो भी मानसिक रोग हो रहे हैं, उनको दूर करके वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करने की वो कोशिश करता है। तो रक्षात्मक युक्तियां कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली है प्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय क्या होगा, यानी कि जो भी उसके सामने बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो प्रत्यक्ष उपायों में तो यही होगा कि सबसे पहले अपना मार्ग ही बदल दे। ठीक है, उस राह पर ही ना जाए जहां पर उसको ये प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरी, उन बाधाओं, समस्याओं या कठिनाइयों को तुरंत दूर कर दे। ठीक है, या फिर जो भी उसने गोल पहले डिसाइड किया था उसको वो चेंज कर दे। तो ये प्रत्यक्ष उपाय हैं। दूसरी युक्तियां कैसी होती हैं, अप्रत्यक्ष होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या करता है व्यक्ति, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कठिनाइयां आती हैं, उनको या तो अपने मन में दबा लेता है या जानबूझकर उन घटनाओं को भूलने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर क्या करेगा वो कि जो भी समस्या आ रही है वो दूसरे पर जो है वो डाल देगा, ये भी कर सकता है। तो यहां हम वही बात करेंगे। ठीक है, श्रुति पूरक उपाय क्या होते हैं, ये ऐसी रक्षात्मक युक्तियां होती हैं जहां पर एक चीज में कमी यदि आ रही हो तो उसकी पूर्ति जो है वो दूसरी चीज से की जाए। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर है आक्रमण उपाय। ऐसी रक्षात्मक युक्तियां, यानी जब एडजस्टमेंट हम बैठाते हैं वातावरण के साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ, तो वहां पर जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्याएं या बाधाएं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधा उनके ऊपर अटैक करते हैं जिससे कि हमारी समस्या ही शॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष उपाय, जिनमें व्यक्ति चेतन अवस्था में अपने तनाव को कम करने का प्रयत्न करता है। सबसे पहले है कार्य विधि में बदलाव। लक्ष्य स्थिर रखकर प्राप्ति का वो क्या करता है, तरीका बदल देता है। यदि उसके लक्ष्य के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, अपना जो लक्ष्य है उसको स्थिर रख कर और जो भी अपना तरीका है उसी को बदल देगा। दूसरा, बाधाओं, समस्याओं और कठिनाइयों को ही दूर कर देगा। तो ये प्रत्यक्ष उपाय ही है। फिर है लक्ष्यों का विस्थापन करना, यानी कि लक्ष्य को स्थिर ना करके लक्ष्य ही बदल देना। कैसे, जैसे कि कोई जो बच्चा है वो मैथ में बहुत वीक है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आगे चल के मैथ का सब्जेक्ट जो है वो छोड़ने की कोशिश करेगा, और उसके बदले में जैसे कि होम साइंस ले ली। ठीक है, या फिर उसने मैथ को छोड़कर बायो ले ली, तो ये कार्य वो करेगा। तो ये सभी प्रत्यक्ष उपाय हैं। लक्ष्यों का विस्थापन करना, अपने पूर्व लक्ष्यों को त्याग करके नए लक्ष्य को निर्धारित करना, जैसे गणित में कमजोर होने पर गृह विज्ञान को लेकर गणित का प्रतिस्थापन और गृह विज्ञान में प्रवीणता लाना। अप्रत्यक्ष उपाय, तनाव को कम करने का ये उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। यहाँ पर वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा, अपने लक्ष्य को जो है दूर नहीं करेगा, ना ही अपने लक्ष्य जो भी हैं उनको बदलेगा, ऐसा वो नहीं करेगा। यहाँ पर तो जो अचेतन रूप है उसको अपनाएगा। ठीक है, तो फ्राइड की थ्योरी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अचेतन मन क्या होता है,
जिसमें बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे विचार जो हैं, जिनका हम क्या कर देते हैं, दमन कर देते हैं और किसी कोने में ढकेल देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें याद ही ना आ सके, क्योंकि वो हमारे जो भी प्रेजेंट टाइम है उसमें हमें ये प्रॉब्लम दे रही है। तो सबसे पहले क्या है, शोधन। यहाँ अप्रत्यक्ष उपाय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। शोधन, जिसे मार्गांतिकरण, उदातीकरण या उन्नयन भी कहा जाता है, तो ये इसके जो अलग अलग नाम है इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें व्यक्ति अपनी जो है गलत आदतों को त्याग कर सामाजिक प्रवृत्ति में परिवर्तित कर समायोजन स्थापित करता है। यानी व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी जो भी गलत बातें हैं, आदतें जो हैं, उनको क्या कर रहा है, उनको हटा दे रहा है, ठीक है, उनको हटा कर जो है वो सामाजिक प्रवृत्ति में जो है वो परिवर्तित कर दे रहा है और समायोजन स्थापित कर ले रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल से ही आपको जो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे वाल्मीकि का डाकू से ऋषि बनना, वाल्मीकि जो है वो पहले क्या था, डाकू था, और डाकू की आदतें जो है वो कैसी होती हैं, गलत होती हैं, तो उसने अपनी इन आदतों को छोड़कर क्या बन गया, वो ऋषि बन गया, ठीक है, तो अब समायोजन स्थापित हो गया। तुलसीदास का जो है पत्नी आसक्ति में होना, तो ये किसमें चेंज हुआ, राम आसक्ति में चेंज हुआ, ठीक है। तो शोधन, मार्गांतिकरण, उदात्तीकरण या उन्नयन क्या है, जब व्यक्ति अपनी गलत आदतों को छोड़ देता है और सामाजिक प्रवृत्ति में जो है उन्हीं आदतों को बदल देता है। तो यहां पर उसने क्या किया, व्यवहार में जो है वो अपने परिवर्तन लाया, जिससे कि क्या हो सके, समायोजन स्थापित हो सके। दूसरा देखें, अप्रत्यक्ष उपाय में है प्रतिगमन। प्रति यानी कि पिछली जो स्थिति है उसमें वापस चले जाना, अपनी पूर्व मानसिक अवस्था से बाल्यावस्था में लौट आना। जैसे कि एक बड़ा इंसान है, बड़ा व्यक्ति जो है वयस्क, तो वो बच्चे की तरह फूट फूट कर रोता है। अब वयस्क जो है उसकी आदत तो नहीं होती है जोर जोर से रोने की, लेकिन कंडीशन ऐसी आ जाती है जब वह उसे फेस नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है वो, अपनी जो पूर्व स्थिति है यानी बचपन में जिस तरीके से एक बच्चा रोता है, उस तरीके से जो है वह रोना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक उपाय है, लेकिन एक ऐसा उपाय है, अप्रत्यक्ष उपाय है, और इसके बाद जो है उसको शांति संतोष जो है उसकी अनुभूति होती है। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण, एक रक्षा युक्ति जो तब घटित होती है जब व्यक्ति अपनी असफलता या कमियों की व्याख्या अधिक स्वीकार्य कारणों पर गुणारोपित करके करता है, ठीक है। तो यहाँ पर औचित्य स्थापन यानी व्यक्ति वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसका इल्जाम जो है वह खुद पर ना लेकर दूसरे पर डाल देता है, और फिर जो है उसको सुख की अनुभूति होती है, ठीक है, इस तरीके से वो समायोजन करता है। तो जैसे कि लोमड़ी का जो एग्जाम्पल है कि लोमड़ी जो है जब भरपूर कोशिश कर लेती है अंगूर लेने की, तो नहीं ले पाती है, बाद में क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो उसने क्या किया, अपने आप को जो है वो तसल्ली दी। या फिर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पेपर इस तरीके का आ जाता है कि जो है नहीं कर पाता है एक बालक, अंत में वो ये नहीं कहता है कि मैं नहीं कर पाया, वो क्या कहता है, क्वेश्चन पेपर जो है वो बुक से बाहर आया था, ठीक है। कई बार आपने भी ऐसा ही किया होगा कि जो है ये नहीं देखा कि हमने जो है वो अच्छे तरीके से अच्छी बुक जो है उनका सहारा लेकर पढ़ाई नहीं की, क्या कहा कि जो क्वेश्चन पेपर है वही बाहर से आया था। तो ये क्या है, औचित्य स्थापन। अगला देखिए दमन। तो ये भी कैसा उपाय है, अप्रत्यक्ष उपाय है, मन में दबाना। तो यहाँ पर ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें व्यक्ति सभी अस्वीकार्य, दुश्चिंताकारी विचार और आवेगों का प्रत्यक्ष सामना करने से बचने के लिए क्या करता है, उन विचारों को अचेतन में धकेल देता है। यह पीड़ादायी तथा अस्थायी होती है, यानी ये भी आसान नहीं होता है। जैसे कि शाम तक भूखे रहने के बाद छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, ठीक है। अब व्यक्ति जो है वो किसी वजह से जो है वो खाना नहीं खा पाया, ठीक है, यानी मान लीजिए कि वो ऑफिस में बैठा हुआ है और किसी वजह से उसके मैनेजर ने जो है उसको एक्स्ट्रा काम दे दिया, जिस वजह से वो खाना नहीं खा पाया, तो भूखा रहने की वजह से अब छोटी छोटी बातों पर जो है वो उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो जो भूख है, तो उसने भूख को क्या किया, भूख को दबा लिया, ठीक है, और उस वजह से जो है
उसके चेहरे पर उसकी बातों में क्या आने लगा, गुस्सा आने लगा। ठीक है, तो दमन जो है इसमें क्या करता है, व्यक्ति उन विचारों को मन में दबा लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। दूसरा है शमन, यहां पर व्यक्ति जो है वो जानबूझकर, यानी दमन में जानबूझकर नहीं किया, वहां पर तो क्या परिस्थितियां ऐसी बन रही थी जिस वजह से ऐसा करना पड़ा, और उसका असर जो है उसके शारीरिक और मानसिक जो पक्ष है उस पर आया। शमन जो है जहाँ जानबूझकर अनचाही और कष्टदायी बातों को अचेतन मन में डाल देता है, जैसे कि व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कम करने के लिए क्या करेगा, 1 2 3 4 ये गिनतियां जो है वो 10 तक गाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। तो यहाँ व्यक्ति खुद चाह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो सके, गुस्सा आ रहा है तो वो क्या करता है कि 1 से 10 तक गिनती गा लेता है या फिर कोई गाना ही गा लेता है। ठीक है, तो ये होता है समन। ये दमन का कैसा रूप है, संक्षिप्त रूप है। दमन, शमन और प्रतिगमन। दमन क्या था, जहां पर मन में जो है कोई बात को दबाया गया ताकि सामने जो भी कार्य हो रहा है उसको कर सके, रिजल्ट उसका क्या आया, उसकी वजह से और कार्य जो है वो बिगड़ गए। समन क्या होता है, हमने अभी देखा कि समन जो है जिसमें व्यक्ति अपनी कोई भी दुखदायी बातें जो होती हैं उनको जानबूझकर अचेतन मन में ढकेल देता है। प्रतिगमन, यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है कि जो उसकी पुरानी परिस्थितियां हैं उसमें वापस जाकर जो है वो सुख की अनुभूति करता है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये कुंठा को कम करती हैं। ठीक है, किसको कम करती हैं, जो कुंठा होती है उसको कम करती हैं। तो कुंठा, कुंठा यानी भग्नाशा, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब व्यक्ति को ये सब चीजें होती हैं तो उसका उपाय क्या है, या तो उन बातों को, विचारों को उनको दमन कर दे, ठीक है, या उनको जानबूझकर जो है वो भुला दे, या अपनी वापिस वाली परिस्थिति में जाकर जो है वह ऐसा कार्य करे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि जो बड़ा व्यक्ति है उसका जो है फूट फूट कर बच्चे की तरह रोना। ठीक है, तो ये तीनों जो है उपाय करने पर कुंठा जो है उसको कम किया जाता है। आगे देखिए प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण जो है यह भी अप्रत्यक्ष उपाय है, जहां पर आरोप जो है वो दूसरों पर लगा दिया जाता है, यानी अपनी कमियों और दोषों को दूसरे पर डालने का उपाय करना और खुद को बचा लेना, तो ये क्या है, प्रक्षेपण है। जो औचित्य स्थापन है तो वहां पर भी हम यही करते हैं, थोड़ा सा ही अंतर है। औचित्य स्थापन में वस्तु जो है उसमें हम दोष निकालते हैं। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या पद को प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिश करता है तो इसके बाद भी व्यक्ति जब सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस वस्तु में ही दोष निकालना स्टार्ट कर देगा। तो हमने एग्जाम्पल देखा था, अंगूर खट्टे हैं, औचित्य स्थापन का। तो यहाँ पर भी वही है, प्रक्षेपण का भी अर्थ इसी तरीके से ही है। यहाँ पर भी आरोप जो है वो दूसरों पर लगाते हैं, अपनी कमियों और दोषों को दूसरों पर डालने के उपाय करना और खुद को बचा लेना। जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना नहीं आता है और पूरे आंगन को ही क्या बता दिया कि आंगन तो टेढ़ा है, इस वजह से जो है वो मैं नहीं नाच सकता। जबकि यहाँ पर क्या था कि उसको नाचना ही नहीं आता है। ठीक है, ये कमी थी। अगला देखिए प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना। तो व्यक्ति द्वारा अपनी वास्तविक भावनाओं और इच्छाओं से ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार करना, किसी व्यक्ति की बातें जैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं फिर भी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनना। तो ऐसी भी परिस्थितियां कई बार जो है वो सामने पैदा हो जाती हैं कि हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है फिर भी हमें उसे हंसकर ही बात करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी समायोजित करने का एक उपाय है। कैसा उपाय है, अप्रत्यक्ष उपाय है। तादात्मीकरण या आत्मीकरण। तो यहाँ पर सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की ये एक युक्ति होती है, और इसमें व्यक्ति सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपना संबंध परिवार के सदस्य, मित्र या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ लेता है जिसे पहले से ही समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो। एग्जाम्पल में देखिए, अमिताभ बच्चन जो है वो पसंद हैं तो उनकी तरह ही व्यवहार करना, उन्हीं के तरीके से एक्टिंग करना, या नरेंद्र मोदी जो है उनकी जो नेतागिरी है वो पसंद है तो व्यक्ति का उन्हीं की तरीके से जो है चलना, उनकी तरीके से ही
बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो भी समाज में ऐसे व्यक्तियों को जो मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त है उसके तरीके से ही वो कार्य करेगा, उसके साथ ही अपने आप को जोड़ लेगा। फिर देखें श्रुति पूर्ति, यानी कि किसी भी चीज की कमी है, श्रुति है उसकी जो है वो पूर्ति किसी और चीज से करना। किसी व्यक्ति में कोई कमी, यहाँ पर आएगा कमी होने पर श्रुति की पूर्ति किसी अन्य साधन से करना, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो देख नहीं सकता है लेकिन अच्छा गा सकता है, तो जो भी सुनने वाले होंगे उसको बार बार ये नहीं बोलेंगे कि ये तो दृष्टिहीन है, वो क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छा गवैया है। तो उस व्यक्ति ने जो है अपनी श्रुति पूर्ति कैसे की, अच्छा गाकर की, अच्छा गवैया बनकर कर ली। पलायन करना का अर्थ क्या होता है कि उस जगह से ही चले जाना। यह समायोजन की एक ऐसी युक्ति है जो कि नकारात्मक है, विपरीत परिस्थिति देखते ही उस स्थान से भाग जाना, और ये सबसे निम्न स्तर की युक्ति है। थोड़ा सा ये भी आप याद रखेंगे कि जो पलायन है ये एक ऐसी नकारात्मक युक्ति है जो कि सबसे निम्न स्तर की युक्ति है, जहां पर व्यक्ति के सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं तो समायोजन कैसे करता है वो, वहां से भागकर। विस्थापन करना, जब एक व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने और बात करने से मना कर देता है, ठीक है। जैसे कि पिता के डांटने पर जो है वो बड़े भाई का छोटे भाई को डांटना, तो यहाँ पर जो बड़ा भाई है उसने किस तरीके से अपनी डांट को विस्थापित कर दिया अपने छोटे भाई पर, ताकि उसका क्रोध जो है वो शांत तो हो सके। तो कई बार जो है वो घर में जो है हम लोग भी ये चीज कर देते हैं कि हमें किसी बड़े से जो है वो डांट पड़ती है और हम क्या करते हैं, हमसे जो छोटे होते हैं उन पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो वातावरण के साथ या उस स्थिति के साथ जो है वो समायोजन करने के लिए हम ऐसा उपाय अपनाते हैं। अंतः प्रेक्षण, अन्य की चीज को अपने भीतर देखना, जैसे किसी के दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि किसी के जो है दुख में जाते हैं और खुद भी जो है वो दुखी हो जाते हैं, खुद की आंखों से भी उनके आंसू आने लग जाते हैं। या फिर कोई व्यक्ति सुखी होता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है तो अपने अंदर ही ये चीज झांक कर देखते हैं कि आज हम भी बहुत खुश हैं, यानी उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी समायोजन का एक उपाय है। आक्रामकता, अब आक्रामकता क्या होता है, यानी आक्रमण। एक व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन जो है वो सीधे सीधे तौर पर उस दूसरे व्यक्ति या उस वस्तु पर कर देता है जिस पर उसको गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये भी समायोजन की एक युक्ति है, यानी हमें गुस्सा आया सामने वाले व्यक्ति पर, हमने क्या किया, सीधे एक चांटा उसको रख दिया, ठीक है, या फिर जिस वस्तु पर आया डंडे से उसको फोड़ दिया, इस तरीके से कार्य कर दिया। तो ये क्या है, आक्रामकता है। अस्वीकरण यानी बिल्कुल मना कर देना, अस्वीकार कर देना, जिससे कि हमारे जो है हमको संतुष्टि मिल सके, सुख की प्राप्ति हो सके, समायोजन स्थापित हो सके। तो हमने क्या किया, बिल्कुल मना ही कर दिया उस चीज से। वास्तविकता को स्वीकार करना नकार देता है इसमें व्यक्ति, जैसे कि एक शराबी व्यक्ति है जो सार्वजनिक रूप से स्वयं को क्या कहता है कि मैं शराबी नहीं हूं, ठीक है, हालांकि सब जानते हैं वो शराबी है लेकिन वो खुद को संतुष्ट करने के लिए क्या कहता है कि वो शराबी नहीं है। दूसरा देखिए, कोरोना का मरीज का ये कहना कि वह कोरोना पीड़ित नहीं है, ठीक है। अगला देखें दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न को कल्पनाओं से जोड़ना, कल्पनाओं में विचरण करना। तो सर्वाधिक दिवा स्वप्न जो है वो किसमें देखे जाते हैं, किशोरावस्था में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है जो भी उसके सपने आए हैं, जो भी उसको सपने आते हैं तो उनको कल्पनाओं से जोड़ लेता है। तो इस तरीके से समायोजन करने के जो है वो बहुत सारी युक्तियां हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं कुछ अप्रत्यक्ष हैं। फिर देखिए पृथक्करण यानी कि अलग अलग, अपने आप को तनाव की स्थिति से अलग कर देना। कहीं भी जो है हमें इस वातावरण में रहकर जो है हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, इस जगह को ही छोड़ देंगे और हम दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पृथक्करण है, जिससे कि हमारा जो तनाव है वह, हमारी जो टेंशन है वो दूर हो सके। फिर देखिए तीसरे नंबर पर सबसे पहला था
प्रत्यक्ष उपाय जिसमें हमने ये कहा कि हम प्रत्यक्ष तौर पर समायोजन करते हैं, जो भी बाधाएं समस्याएं कठिनाइयां आती हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप में दूर करते हैं। हम जो है वो मार्ग बदल देते हैं, या तो हम जो है वो अपना लक्ष्य बदल देते हैं, ठीक है, या हम लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनको हटा देते हैं। दूसरा हमने अप्रत्यक्ष उपाय देखे जिसमें हमने देखा कि या तो हम उस बात को, उस विचार को मन में दबा लेते हैं, किसी कोने में धकेल देते हैं, जानबूझकर उनको भुला देते हैं, ठीक है, या हम दूसरे व्यक्ति जो है उस पर आरोप जो है डाल देते हैं ताकि हमारे माइंड पर कोई भी टेंशन ना हो सके, ठीक है, या फिर हम किसी व्यक्ति जो है उसके तरह से जो है वो कार्य करना सीख जाते हैं ताकि हम पुराने जो भी हमारी परिस्थिति रही है उनको भुला सके, या हमारे में कोई भी कमी है, कोई भी दोष है तो हम उसकी पूर्ति जो है वो किसी और चीज से करते हैं, जैसे कि गवैये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा है श्रुति पूरक उपाय, प्रत्यक्ष क्षति पूरक उपाय। जब कोई बालक किसी भी विषय में कमजोर होता है तो मेहनत करके उसी कार्य को करके सफलता को प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर जो है वो जो भी कमी थी, क्षति जो थी, उसको पूरा किया बालक ने। किसी एक सब्जेक्ट में जो है वो कमजोर है तो क्या किया उसने, उसमें जो है वो दोबारा से मेहनत की और उसमें सफलता प्राप्त करके अपनी जो भी कमी थी पिछली उसको पूरा कर लिया। अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय, जब कोई बालक किसी कार्य विषय में कमजोर होता है तो बालक उस कार्य या विषय की तुलना में अन्य किसी कार्य या विषय में रुचि लेता है और मेहनत करके सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर वही बात है कि मैथ में जो है वो कमजोर है, वहां पर जो है उसमें कमी रही, तो उसने क्या किया कि जो 11th 12th क्लास में जाकर जो है वो मैथ की जगह बायो ले ली, बायो में और अधिक अंक जो है वो प्राप्त किए और अपनी पिछली कमी को पूरा कर लिया। फोर्थ नंबर पर देखिए आक्रामक उपाय, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाए तो दूसरा व्यक्ति भी बदले में चोट और नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है, यानी कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। किसी ने किसी को एक चांटा मारा तो बदले में भी उसने उसको एक चांटा रख दिया, ठीक है, जिससे कि उसको मन में संतुष्टि हो सकी और जो टेंशन जो उसके मन में रही कि इसने मुझे मारा तो वो दूर हो गई। ऐसे भी व्यक्ति जो है वो उपाय अपनाते हैं अपने आप को समायोजित करने के लिए। दूसरा है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाए तो दूसरा व्यक्ति जो है चोट या नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी डायरेक्टली तो वो ये काम नहीं करेगा, लेकिन उस समय किंतु मौका मिलते ही उसके जो सगे संबंधी हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, जिससे कि उसको शांति उसको मिल सके। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद जो है जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कुसमायोजन का, ठीक है, असमायोजन के जो उत्तरदायी कारक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब व्यक्ति समायोजित नहीं हो पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है तो वो कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो वही हम पढ़ेंगे आगे चल के, टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।